हेलो गाइस, माय नेम इज आमिर अरोड़ा। आज मैं आपको बेलीजा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ आर ऑथराइज्ड सर्विस पार्टनर रियलिटी सॉल्यूशंस। तो आज मैं आपको अभी बेलीजा के बारे में जो एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं आपको इसकी लोकेशन, इसकी एमिनिटीज वो सब एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है हमारी जीरकपुर में PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे, ये लोकेटेड है बेलीजा। बेलीजा इज अ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट विद अ मिक्सचर ऑफ हाई राइज एंड लो राइज, जिसमें कि हमारे लो राइज में ग्राउंड प्लस 4 का कंसेप्ट है एंड हाई राइज में हमारे पास ग्राउंड प्लस 19 का कंसेप्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरी अमेनिटीज है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जो हमारा डाउनटाउन का ऑफिस है उसके हम पार्किंग एरिया में खड़े हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारा बेलीजा सेगमेंट यहाँ पे लॉन्च हुआ। अच्छा, ये है हमारा बेलीजा का सैंपल। बेलीजा जो है हमारा एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आता है। 3400 स्क्वायर फीट, 4 BHK विद अ फैमिली लाउंज एंड अटेंडेंट रूम। तो ये डबल एंट्रेंस के साथ रहेगा हमारा। अटेंडेंट रूम की हमारी जो एंट्रेंस रहेगी वो एक सेपरेट एंट्रेंस रहेगी एंड इसके साथ ये जो रहेगी ये हमारी एक मेन एंट्रेंस रहेगी। मैं आपको इस सैंपल अपार्टमेंट का एक व्यू देता हूँ यहाँ से। ये है हमारा एक फॉयर एरिया। फॉयर एरिया इज बेसिकली फॉर द प्रिविसीज। यहाँ पे हमारी एक प्रिविसीज मेंटेन होती हैं, जैसे कि आपका कोई भी यहाँ पे कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय कोई भी यहाँ पे आता है तो वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सामने वॉल दिखती है उनको, पूरा अपार्टमेंट उनको विजिबल नहीं होता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्टोर आ जाता है। स्टोर जो रहेगा बेसिकली हम इसको एज अ स्टोर भी यूज कर सकते हैं, इसको हम एज अ पूजा रूम यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन रूम यूज कर सकते हैं। बिकॉज इसका अगर साइज की बात करें तो साइज इज 5.5x4, तो एक अच्छा साइज मिल जाता है मेडिटेशन करने के लिए, एक पूजा रूम बनाने के लिए। हम इसको एक लगेज रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे गेस्ट आते हैं, हमने गेस्ट का लगेज यहाँ रखा, हम उनको जो हमारे सर्वेंट्स होंगे वो लगेज उनका उनके रूम्स में वहाँ पे प्लेस कर देंगे ताकि उनके लिए एक ईज हो जाती है। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पूरा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया सेपरेट रहता है। तो अगर हम लिविंग एरिया की बात करते हैं, आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पे लिविंग एरिया का एक बहुत ही अच्छा स्पेस हमारे पास यहाँ पे है। जैसे लिविंग का हम साइज की बात करते हैं तो 12x23 का यहाँ पे हमें लिविंग एरिया का एक साइज मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोफाज जो प्लेस किए गए हैं 7-seater सोफाज हैं यहाँ पे विद अ सेंटर टेबल। सामने हमारे LED है, आप किसी भी साइज की यहाँ पे LEDs लगाएं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइज एक बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पे एक काउंटर है। दिस इज अ बार काउंटर, यू कैन से इट्स अ आइडिया कि आप यहाँ पे बार काउंटर बनाना है, बार काउंटर बना सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल बनाना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल भी बना सकते हैं। ये ओपन एक एरिया रहेगा। इसके साथ ही हमारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल रहेगा। डाइनिंग टेबल जो हमारा डाइनिंग एरिया है, आइदर विद 6-seater डाइनिंग या 8-seater डाइनिंग आप कुछ भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है दैट इज 8x16, तो हमारे पास एक अच्छा एरिया यहाँ पे मिल जाता है। 8x16.5 का एक हमारे पास साइज मिलता है, तो वो बहुत अच्छा एक साइज मिल जाता है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ किचन का। जो हमारी किचन रहेगी, किचन जो रहेगी वो 3 parts में डिवाइडेड है। 3 parts में हमारे पास ड्राई किचन, वेट किचन एंड अ यूटिलिटी पोर्शन। तो मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई किचन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ड्राई किचन किस तरह से रहेगी। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। आपने ये स्टोरेज देखी सर, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। जो आज के समय की मॉड्यूलर किचन है आप देख सकते हैं, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन के साथ हमारे यहाँ पे स्टोरेज रहेगा पूरा एंड विद द सॉफ्ट क्लोजर्स। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका पूरा सॉफ्ट क्लोजर रहेगा, यहाँ पे भी पूरा सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे। इधर हमने यहाँ पे एक शटर सिस्टम दिया, आप इस तरह से शटर सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं इसको एंड प्रॉपर एक स्पेस दी गई है फॉर रेफ्रिजरेटर, फॉर आर माइक्रोवेव OTGs एंड उसके साथ यहाँ पे हमने प्रॉपर एक स्पेस दी है फॉर दिस। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की। ये हमारा यहाँ पे फ्रूट क्लीनर, वेजिटेबल क्लीनर के लिए हमारा ये सिंक रहेगा यहाँ पे एंड इसके साथ ये हमारी आ जाती है सर पूरी की पूरी वेट किचन। अब यूटेंसिल्स जो भी क्लीन होंगे वो इस किचन में होंगे। आपका जो ये वाला पोर्शन रह जाएगा वो पूरा का पूरा ड्राई रह जाएगा एंड दिस पोर्शन इज योर वेट किचन। अब वेट किचन में हमने साथ में इस तरह के फिक्स्चर्स दिए हैं पूरे, आप देख सकते हैं ये फिक्स्चर्स भी सारे कि आपने यूटेंसिल्स क्लीन किए, यहाँ पे प्लेस किए एंड उनका जो वाटर है यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ फिक्स्चर्स आर प्रोवाइडेड।
ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है। यूटिलिटी बालकनी का जो साइज रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 6 feet wide। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी एरिया हमारे पास है फॉर स्टोरेज। ये है पूरा हमारा स्टोरेज पोर्शन। अब यहाँ पे हमने हर्ब्स एंड प्लांटेशन के लिए प्रॉपर एक फिक्स्चर दे रखा है जहाँ पे आपके हर्ब्स एंड प्लांटेशन यहाँ पे प्लेस होंगे। आप स्पाइसेस रख सकते हैं, हर्ब्स कर सकते हैं, प्लांटेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस की आप प्लांटेशन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी दैट आर सर्वेंट रूम और योर अटेंडेंट रूम, तो हमारा जो अटेंडेंट रूम रहेगा वो 8.5x8 का हमारा अटेंडेंट रूम रहेगा यहाँ पे, जिसके साथ हमारा वॉशरूम जो है वो अटैच वॉशरूम रहेगा। आपको दिखाता हूँ सर, वॉशरूम 6x4.5 का हमारा वॉशरूम का साइज रहेगा विद एंटी स्किड टाइल्स। अब जो यहाँ पे फिक्स्चर्स रहेंगे जो सैनिटरीज के फिक्स्चर्स रहेंगे वो सारे आपके जैगुआर के रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम एक रूम सर्वेंट रूम में जैगुआर की टाइप की फिटिंग दे रहे हैं तो दिस इज अ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है आपका सर्वेंट रूम रहेगा एंड विद द सेपरेट एंट्रेंस, एंड एक हमारी जो एग्जिट रहेगी वो हमारी यूटिलिटी बालकनी में रहेगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्वेंट का निकलता है वो सर्वेंट रूम टू किचन में ही निकलता है, तो इसीलिए हमने उनको एक सेपरेट एंट्रेंस एंड एग्जिट यहाँ से प्रोवाइड किया है। एंड सर मैं आपको अब अपना ड्राइंग डाइनिंग एरियाज का दिखाता हूँ। अगेन ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ जो हमारी बालकनी रहेगी, तो मैं उस बालकनी का एक आपको व्यू दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ की बालकनी है। ये वुडन डेक बालकनी के साथ रहेगी। आप देख सकते हैं इसके पूरा जो फ्लोर रहेगा वो वुडन फ्लोरिंग रहेगी। बालकनी का आप साइज देख सकते हैं कि एक अच्छा साइज एक बालकनी का मिलता है यहाँ पे। आप इवनिंग टाइम अगर आप ड्राइंग डाइनिंग के बाहर यहाँ पे अपनी चेयर्स पे बैठते हैं तो एक अच्छा एक व्यू भी मिलता है और एक बालकनी का एक अच्छा एक सेगमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। 6 feet wide बालकनी रहेगी ये आपकी, जो कि आपको एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी मिलती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सर, एक पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आपको एक अपार्टमेंट की डेप्थ पता लगती है सर कि एक अपार्टमेंट कितना बड़ा है। एक बहुत ही अच्छा पैसेज जहाँ पे हम इजीली मूव कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सर सबसे पहला रूम जो हमारा बेडरूम है। ये हमारा बेडरूम रहेगा, तो ये हमारा सर बेडरूम है 11x15 का, जिसके साथ हमारा ये वॉशरूम रहेगा। देयर इज अ कॉमन वॉशरूम फॉर ड्राइंग डाइनिंग एंड दिस बेडरूम। तो ये हमारा वॉशरूम का सर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो फिटिंग्स दी हैं ऑल आर टोटो फिटिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने टोटो की फिटिंग दी है सर पूरी यहाँ पे। दिस इज योर यू कैन से अ गेस्ट रूम, अ बेडरूम, आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसके आपको दिखाता हूँ सर, दीज काइंड ऑफ अलमीराज वी आर प्रोवाइडिंग। आप देख सकते हैं सर बहुत ही स्पेशियस अलमीरा है। ये देखिए सर, अगेन विद द सॉफ्ट क्लोजर्स एंड विद अटैच बालकनी अगेन। तो मैं आपको बालकनी इसका भी दिखाता हूं सर। ये बालकनी आ जाएगी हमारी जो गेस्ट रूम के साथ की बालकनी होगी। गेस्ट रूम की बालकनी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसका साइज, एक इसकी विड्थ देख सकते हैं बालकनी की, अच्छा साइज बालकनी का यहाँ पे आपको मिलता है। हमें पता है कि जो हमारे घर पे गेस्ट आते हैं गेस्ट को भी एक बालकनी बहुत ज़रूरी होती है, उनको भी एक प्रिवेसीज अपने चाहिए, वो भी अपना बालकनीज में आके खड़े हो सकते हैं, एक हमारा जो यहाँ का व्यू है वो एक पूरा व्यू ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपने हर एक रूम के साथ एक सेपरेट बालकनी दी है। तो ये हमारी जो बालकनी रहेगी ये गेस्ट रूम के साथ की बालकनी रहेगी। अब मैं आपको जो दूसरे हमारे रूम्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो पैसेज की हम बात कर रहे थे, 5-inch wide पैसेज है ये हमारा, इसके साथ ये हमारा आ जाता है फैमिली लाउंज। अब फैमिली लाउंज का जो बेनिफिट है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा जो इवनिंग टाइम है, जो क्वालिटी टाइम हम फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं वो हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे हमारा एक LED प्लेस रहता है, यहाँ पे हम बैठे हैं फैमिली के साथ, हम गेट टुगेदर कर रहे हैं फैमिली के साथ बैठे हैं यहाँ पे हम, तो एक बहुत ही अच्छा एक रहता है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि एक बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे रहेगा विद अटैच बालकनी अगेन, यहाँ पे भी बालकनी रहेगी। आप देख सकते हैं LEDs यहाँ पे प्लेस हैं, यहाँ पे अगर हम टेबल को प्लेस कर देते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक रहता है। बच्चों ने यहाँ पे खेलना है, प्ले स्टेशन करना है, प्ले स्टेशन पे यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं। इनकेस आपके घर पे गेस्ट आते हैं आप यहाँ से एक पार्टीशन कर दीजिए, पार्टीशन करके आपके दो पोर्शन सेपरेटली हो जाते हैं,
कि जेंट्स आगे हो गए, लेडीज यहाँ पे बैठ गई, या तो फैमिलीज आगे बैठ गई, बच्चे यहाँ पे बैठ गए, तो एक बहुत ही अच्छा एक व्यू मिल जाता है यहाँ पे आपको बैठने का। ये हमारी बालकनी आ जाती है जो हमारी इस पैसेज के साथ आ जाती है। ये जो बालकनी है ये हमारी फैमिली लाउंज बालकनी है। फैमिली लाउंज के साथ भी एक बालकनी होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बैठ के यहाँ पे एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, गेट टुगेदर करने के बाद हमें एक ओपन एयर चाहिए होती है। ओपन एयर के साथ हम यहाँ पे इस बालकनी में आके एक बहुत ही अच्छा हम एटमोसफेयर क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम यहाँ के गेट को ओपन करेंगे एंड फ्रेश एयर को हम इनहेल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे अच्छा एक एटमोसफेयर बन जाता है, घर के अंदर का एक एटमोसफेयर अच्छा बन जाता है। तो ये बालकनी जो रहेगी ये हमारी फैमिली लाउंज के साथ बालकनी रहेगी। अब ये हमारा एक रूम आ जाता है जी, ये रूम है हमारा किड्स रूम। अब इसको हमने किड्स रूम इसलिए कहा बिकॉज इसके जो वॉशरूम हैं उसमें हमारा बाथटब इंक्लूड रहेगा, बाथटब फिटिंग साथ में रहेगी सारी। 11x14 का ये हमारा एक रूम साइज रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी एक स्पेशियस देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा ये 11 है, इस तरह से 14 है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे एक काफी अच्छा हमें स्पेस मिल जाता है। ये आ जाएगा जी हमारा इसके साथ। ये हमारा जो वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी की सारी जो फिटिंग्स मिलेंगी वो टोटो की मिलेगी। अगेन ये आपको यहाँ पे मिलेगा जी, बाथटब इंक्लूड मिलेगा यहाँ पे। 5.5x8 का ये वॉशरूम रहेगा, अब फुली इक्विप्ड वॉशरूम। इसके साथ भी हमारी जो एक बालकनी रहेगी दैट इज अ यूटिलिटी बालकनी। ये जो बालकनी है ये हमारी किड्स रूम के साथ की बालकनी है। आप देख सकते हैं कि इसका साइज भी काफ़ी स्पेशियस है। अगर मैं साइज की बात करूं तो 5 feet wide ये बालकनी रहेगी हमारी। किड्स को भी एक अपनी अलग से बालकनी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी बाहर निकलना है, बच्चों ने भी अपनी बालकनीज में निकलना है, तो उनके लिए हमने एक सेपरेट यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी प्रोवाइड की है हमारे बेलीजा सेगमेंट में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अभी देखें कि यहाँ पे प्रॉपर अगर उन्होंने बच्चों ने भी वॉक करना है या बच्चों ने यहाँ पे कुछ अपना बैठ के कुछ आउटडोर गेम्स प्ले करनी है तो यहाँ पे बैठ के भी अपना बालकनी में बैठ के बहुत अच्छे से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रहेगी किड्स बालकनी रहेगी। ये हमारा किड्स रूम आ गया जी। किड्स रूम के साथ ही बिल्कुल जो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स रूम रहेगा, सर मैं आपको ग्रैंड पेरेंट्स रूम दिखाता हूँ हमारा। तो ये हमारा ग्रैंड पेरेंट्स रूम रहेगा सर। ग्रैंड पेरेंट्स रूम का जो साइज है वो है 11x15, 11x15 का हमारा साइज रहेगा यहाँ पे। एंड जो इसके साथ वॉक इन क्लोजेट्स रहेंगे वो अंदर की तरफ रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये दिखाता हूँ सर, इसमें इस तरह के सर रहेंगे वार्डरोब्स अंदर की तरफ, और यहाँ से हम इसको ओपन करके दिखाएंगे। ये हमारे वार्डरोब्स रहेंगे सर। इसके साथ जो वॉशरूम रहेगा, अगेन इसमें भी हमारी सारी फिटिंग्स जो रहेंगी वो टोटो की रहेंगी सारी। तो ये हमारा 5x8 का जो वॉशरूम रहेगा सेपरेट, ये रूम का पार्ट नहीं है। रूम का साइज जो रहेगा वो 11x15 रहेगा, एंड इसके साथ 5x8 का हमारा जो वॉशरूम है वो अलग से रहेगा। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ भी एक बालकनी अटैच रहेगी। ये हमारी बालकनी रहेगी जी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रूम के साथ। हम कह सकते हैं कि हमारा दादा दादी रूम, नाना नानी रूम, तो ये हमारा ग्रैंड पेरेंट्स रूम है, उसके साथ की ये पूरी बालकनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि बालकनी का साइज काफ़ी अच्छा है। ये बालकनी जो है इट्स अ कॉमन बालकनी विद दिस गेस्ट रूम एंड ग्रैंड पेरेंट्स रूम, तो इसलिए इसका साइज जो है बहुत ही अच्छा साइज एक सामने निकल के आता है हमारे। अगर मैं टोटल बालकनी का साइज देखो तो 6 feet wide बालकनी है हमारे सामने निकल के आती है। एंड ऑब्वियसली एक व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है। हमें पता है कि एक जो ओल्ड एज होते हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो उनको एक व्यू चाहिए होता है कि वो बालकनी से बाहर निकले और एक अच्छा सा उनको ग्रीन एरिया मिले या एक हिल्स का व्यू मिले। तो हमारी हर एक बालकनी से ग्रीन एरिया एंड हिल्स का व्यू उनको मिल सकता है। तो ये हमारी रहेगी ग्रैंड पेरेंट्स बालकनी। अब हम चलते हैं जो हमारा एक अपार्टमेंट का जो मेन पोर्शन होता है दैट इज अ मास्टर बेडरूम। अब मैं मास्टर बेडरूम के बारे में अगर बात करता हूँ, 12x17 12x17 का हमारा मास्टर बेडरूम है यहाँ पे विथ वुडन फ्लोरिंग। इसके साथ जो वॉशरूम रहेगा वो ये रहेगा। इसके साथ ये पूरा आपका ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया में जो वॉक इन क्लोजेट्स रहेंगे वो इस तरह के रहेंगे यहाँ पे विथ फुल ग्लास स्ट्रक्चर। एंड इस वॉशरूम में
जो ये ग्लास की पार्टीशन है वो टॉप तक रहेगी, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग स्टीम एंड सोना इन दिस बाथरूम, इन दिस वॉशरूम. तो ये पार्टीशन जो है वो टॉप तक रहेगी, एंड अगेन विद द फिटिंग्स ऑफ टोटो. तो ये हमारा पूरा का पूरा मास्टर बेडरूम है विद वुडन फ्लोरिंग. आप देख सकते हैं काफी ही स्पेशियस एरिया. आप देखो कि यहाँ पे डबल बेड भी लगा हुआ है, दो चेयर्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे हमने एक कॉफी टेबल भी लगाया हुआ है, इसके साथ हमने यहाँ पे पूरा वुडवर्क किया हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 बाय 17 का जो एक साइज है तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है. आप ये देखें सर, पूरा का पूरा हमारे पास एक 12 बाय 17 का पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा. अब मैं आपको यहाँ से बालकनीज का व्यू दिखाता हूँ सर. तो ये हमारी जो है बालकनी है, ये बालकनी रहेगी सर हमारी मास्टर बेडरूम के साथ की बालकनी. आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमें एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है. अगर हम पूरी बालकनी का एक एरिया देखें तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा एरिया निकल के आया बालकनी का. हमारे हर एक रूम के साथ यहाँ पे सेपरेट बालकनी रहेगी. आपने देखा कि मास्टर बेडरूम के साथ सेपरेट बालकनी है, गेस्ट रूम के साथ सेपरेट बालकनी है, किड्स रूम के साथ एक सेपरेट बालकनी है. तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो एवरी रूम हैज अ बालकनी. आप यहाँ से एक व्यू पे सर थोड़ा सा नज़र मारें, आप देख सकते हैं कि यहाँ का कितना अच्छा एक ग्रीन व्यू मिलता है सर हमें यहाँ से. अगर हम इस तरफ का देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हिल्स का व्यू है, इस तरफ का देखते हैं तो पूरा ग्रीन व्यू है. यहाँ पे हमारा सर देखें पूरा का पूरा एक अच्छा एक व्यू मिल रहा है हमें बालकनी के पास से. तो ये हमारी सर मास्टर बेडरूम की बालकनी है. हम रिलैक्स करने के लिए बालकनीज में आते हैं, तो अगर इस तरह की बालकनीज होंगी तो हम ऑब्वियसली एक बड़ा ही अच्छा रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये हमारी जो बालकनी है इट्स अ मास्टर बेडरूम बालकनी. तो यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि हमारे हर एक रूम के साथ, हर एक ड्राइंग एरिया के साथ यहाँ पे आपको बालकनीज मिलेंगी. एवरी रूम हैज अ बालकनी, इवन तक कि जो हमारा फैमिली लाउंज है उसके साथ भी बालकनी है. तो ये हमारा जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये हमारा 3400 स्क्वायर फीट 4 बेडरूम विद अ अटेंडेंट एंड अ फैमिली लाउंज. दिस इज अ बेलीजा सेगमेंट, दिस इज अ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट. तो ये हमारा बेलीजा रहेगा हाई राइज. ये हमारा डाउनटाउन का एक पूरा मॉडल. डाउनटाउन बेसिकली हमारा जो है 4 प्रोजेक्ट्स के लिए माना जाता है, जिसमें हमारे 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं. रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेलेंशिया एंड बेलीजा. वेलेंशिया इज लो राइज कंसेप्ट, लो राइज विला फ्लोर, एंड इसके साथ हमारा जो बेलीजा आ जाता है, बेलीजा रहेगा हमारा लो राइज एंड हाई राइज का मिक्सचर. तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल 4 प्रोजेक्ट्स हैं, वेलेंशिया, बेलीजा, इम्पीरिया एंड मेट्रो. वेलेंशिया एंड इम्पीरिया एक साइड पे आ जाता है हमारा 200 फुट के, एंड मेट्रो पोल एंड बेलीजा इज अदर साइड. तो अगर हम बात करें वेलेंशिया की एंड बेलीजा की, बोथ आर रेजिडेंशियल, एंड इम्पीरिया एंड मेट्रो पोल इज कमर्शियल. तो आप देख सकते हो कि ये पूरी 70 एकर्स की टाउनशिप है जो हमारे PR7 रोड पे जा रही है. ये रोड जो है आगे कनेक्ट हो रही है पंचकूला सेक्टर 2021 के साथ, एंड इसकी कनेक्टिविटी जो रहेगी वो प्रॉपर हमारा जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है उसके साथ. तो ये हमारा पूरा का पूरा जो डाउनटाउन का एक स्ट्रक्चर रहेगा. इसी के साथ अब मैं आपको थोड़ा सा बेलीजा के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो ये हमारा बेलीजा सेक्शन रहेगा. बेलीजा में जैसे हमने अभी सैंपल के बारे में भी बात की, तो बेलीजा इज अ मिक्सचर ऑफ लो राइज एंड हाई राइज. लो राइज में हमारे पास ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी रहेगा, एंड हाई राइज में हमारे पास ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज का रहेगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस सेक्टर. आपने ये देखा होगा कि जो लो राइज कंसेप्ट है, लो राइज में आपके पास टोटली ग्रीन एरिया, जो सरफेस पोर्शन रहेगा, सरफेस के पास टोटल ग्रीन एरिया एंड वॉकवेज रहेंगे. पार्किंग जो रहेगी पार्किंग टोटली बेसमेंट में रहेगी. हाई राइज में टोटली पेरिफेरी में मूवमेंट रहेगी रेगुलर, एंड बेसमेंट पार्किंग के साथ रहेगा विद क्लब हाउस. 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा यहाँ पे. आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फार्मिंग होगी. यहाँ पे टक शॉप रहेगी. हमें पता है कि आज का टाइम जो है वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है, तो उसके साथ हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया है. एंड इवन बेसमेंट पार्किंग में हमने आने वाले फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को दिया है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट. हमें पता है कि आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स का है, तो हमने पहले से ही वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी हुई हैं. तो हमने यहाँ पे ग्राउंड बेसमेंट में टोटली इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं. क्लब हाउस की पार्किंग सेपरेट रहेगी, पूरा एक ग्रीन एरिया मेंटेन रहेगा. तो इट्स अ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ऑफ बेलीजा. जैसे कि हमने अभी पूरा बेलीजा का एक वर्चुअल टूर दिया यहाँ पे आपको. अब आपकी कोई भी क्वेरीज होती है किसी भी रिलेटेड प्रोजेक्ट के रिलेटेड, लोकेशन के रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमारे जो ऑथराइज सर्विस पार्टनर हैं रियलिटी सॉल्यूशंस, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नंबर जो रहेंगे वो आपके नीचे स्क्रीन पर रहेंगे, आप उनके साथ किसी भी टाइम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
एंड विजिट कर सकते हैं हमारे सुषमा प्रोजेक्ट।